हे गाइस, वेलकम बैक टू क्यारा स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे और मेनली कोविड से सुरक्षित होंगे। तो एक नई वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, तो मैंने सोचा इस बारे में आपसे बात कर ली जाए, इस बारे में आपको बता दिया जाए, क्योंकि वैकेंसीज़ अब कहीं भी निकल रहे हैं। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि अगर कहीं भी वैकेंसी निकल रही है तो उस सारी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कोल इंडिया में किस पार्ट में वैकेंसी निकली है और कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए देखते हैं फिर कि क्या है वैकेंसी। तो दोस्तों, कोल इंडिया की सबने अपनी एक बहुत बड़ी वैकेंसीज़ निकाली हैं बहुत सारी पोस्टों के लिए अपनी ही सब्सिडरी कंपनी MCL में। तो MCL में कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और किन पदों के लिए। तो रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव है, मेडिकल एग्जीक्यूटिव में से ही बहुत सारे पद हैं जिनके लिए टोटल 70 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अगर यहाँ पर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 70 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेडिकल जो पोस्ट है वो है सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की, ठीक है। उसकी सैलरी अगर बात करें तो 70,000 से लेकर के 1,80,000 तक है। और सीनियर मेडिकल ऑफिसर GDMO की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये सैलरी आपके 60,000 से लेकर के 180,000 तक है। और फिर अगर थर्ड में बात करती हूँ डेंटल की, तो उसकी भी सैलरी 60,000 से लेकर 180,000 तक है। तो जो उनका पे बैंड है वो बहुत ही अच्छा है, जो उन्हें पे कर रहे हैं, सैलरी बेसिक जो भी बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं। तो और वैकेंसीज़ भी कुछ कम नहीं निकली हैं। अगर मैं टोटल कैटेगरी वाइज बात करूँ तो टोटल फर्स्ट पोस्ट के लिए 40 वैकेंसीज हैं, सेकंड पोस्ट के लिए 28 और थर्ड पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पाए, वैकेंसीज़ की पोजीशन भी दी हुई है कैटेगरी वाइज, UR में कितनी है, EWS में कितनी है, OBC में कितनी है, SC में कितनी है, ST में कितनी है, ऐसे कैटेगराइज करके यहाँ पर वैकेंसीज़ को दिया गया है। डिटेल में यहाँ पर पूरी प्रोसेस डिटेल में नीचे दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पोस्ट, एज रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, प्रोसेस क्या है अप्लाइंग करने की, सलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में नीचे डिटेल में दिया गया है। तो देखिए, जो डेट्स बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन्हें यहाँ पे काफ़ी बोल्ड किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 अप्रैल तक ही आपके पास चांस है, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं लगभग, अगर मैं बोलूँ अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर नीचे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो हर एक वैकेंसीज़ की जो पोस्ट निकली है उसको भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर फर्स्ट पोस्ट की बात करूँ जिसमें 20 वैकेंसीज़ थी सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की, तो उसकी स्पेशलिटी जिसमें अलग अलग जो टाइप्स के जो स्पेशल हैं तो उनको भी कैटेगराइज किया गया, लाइक सर्जन, जनरल फिजिशियन, GNO, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट, सारी चीज़ों को अलग अलग यहाँ पे जो वैकेंसी बताई गई हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही बताई गई हैं और स्पेशलिटी वाइज भी बताई गई हैं। तो आप लोग चाहें तो आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सर्जन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो UR के, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो 2 वैकेंसीज़ आपको वहाँ मिलेंगी। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर सारी वैकेंसीज़ को बताया गया, आप चाहें तो एक बार इसे डीप नॉलेज ले सकते हैं। सेकंड जो है आपका सीनियर मेडिकल, उससे भी कैटेगराइज किया गया है। तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो GDMO की वैकेंसीज़ हैं, जो टोटल 28 वैकेंसीज़ हैं, उसमें ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है इसलिए उनको कैटेगराइज नहीं किया गया, उनको सिर्फ कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी सारी दी गई हैं। डेंटल की बात करूँ तो 2 वैकेंसीज़ हैं, उन्हें भी यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू, अगर बोला जाए तो कैटेगरीज, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज़ है, जो टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 70 वैकेंसीज़ हैं। चलिए आगे, अगर इस नोटिस में आगे देखते हैं, जनरल रोल प्रोफाइल दी गई है कि एक जो भी यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली गई उनके क्या जनरल रोल होता है, क्या उन्हें काम करने पड़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहें तो ये जब इसे आराम से नोटिस को डाउनलोड करके एक एक चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है पोस्ट वाइज दिया हुआ है, पोस्ट नंबर 1 पे जो क्राइटेरिया है फॉर जनरल सर्जरी, जिसमें कैटेगराइज किया गया था स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, तो फॉर जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिन एंड पल्मोनरी मेडिसिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इज MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो और सेकेंड पोस्ट की बात करूँ तो उसमें भी MBBS रिकॉग्नाइज पोस्ट से मांगा गया, इंस्टीट्यूट से मांगा गया है।
इस तरीके से पोस्ट वाइज यहाँ पर पूरा आपका एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एज लिमिट की भी बात करूँ तो एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है, किस पोस्ट में कितनी एज लिमिट है, लाइक 42 ईयर्स है जनरल वालों की दी गई, 35 ईयर्स सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए दिया गया है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन किस किस को मिल रहा है, उन सब की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई। जैसे ही आप नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसकी लिंक भी अलग से दी हुई है, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके उसे फिलफिल करके आपको यहां पर अप्लाई करना है। और यहां पर इंटरव्यू सेंटर्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि यहां पे जो ये भर्ती निकाली गई है, जो रिक्रूटमेंट निकाला गया, तो ये इसमें डायरेक्ट कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू है इसमें, तो यहां पर उस का भी वेन्यू यहां पर पहले से ही दे दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो MCL वालों की हैं, वो उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन मैंने पहले भी बताया है कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, यहाँ पे मोड ऑफ़ सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू का है। और नीचे जो अगर मैं आके देखूँ तो नीचे इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को, और फिल करके इसके नीचे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दी हुई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अगर मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी रिक्रूटमेंट हर एक कोल इंडिया ने अपनी सब सारी सब्सिडरी कंपनीज में निकाली हैं। ये तो मैं सिर्फ MCL की बात कर रही हूँ, MCL में जो वैकेंसी 70 पोस्ट के लिए निकली हुई हैं। ऐसे ही अगर हम BCCL की बात करूँ या ECL की, WCL की, तो हर एक उसमें निकाली गई हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी आपको अलग से वीडियो बनाकर बता सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि आप जाकर वहाँ पर नोटिस चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी कितनी वैकेंसीज किस में निकाली गई हैं। तो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें और अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी रिक्रूटमेंट के साथ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसके अलावा भी कहीं भी कोई भी वैकेंसीज निकलती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स की भी जॉब को पाना चाहते हैं या उनके लिए भी आप चाहते हैं कि वो रिक्रूटमेंट भी अगर निकलता है तो वो आपको बताया जाए, लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन में जो वैकेंसीज निकलती हैं, जो वर्क फ्रॉम होम होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँ तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करें। अगर आप को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए फिर कोविड से ज़रूर बचें, क्योंकि अगर आप कोविड से बचेंगे तभी इन वैकेंसीज का कोई मतलब निकलेगा। चलिए फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।